फ्रंट से देख के आप बता सकते हो कौन सा वेरिएंट हो सकता है निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट का? इस वेरिएंट में आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर, मोबाइल होल्डर, यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 का कॉम्बिनेशन है, रीडिंग लाइट एक आगे है, दो पीछे दी गई है। बटन हमें यहाँ मिला करता था, वो लॉक का बटन हट चुका है निसान मैग्नाइट के बेस वेरिएंट से भी, लॉक का बटन यहाँ आ चुका है। एशियन एंड कैप पे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करे हुए इसकी बिल्ड क्वालिटी ने उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई गाड़ी आपके सामने जो खड़ी हुई है, वैसे तो देख के समझ गए होंगे निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है 5 तारीख को। इसके टॉप वेरिएंट की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है और उसे भाई एक लोग तो हिल जाओगे, कितनी तगड़ी अपडेशन दी है उस वेरियंट के अंदर, टॉप के अंदर। ये बेस वेरियंट है, पहले कुछ ऐसा आता था, ये भी बेस वेरियंट है, साइड से दिखा देता हूँ। ये आता था मैग्नाइट एक्सी के नाम से, बट वहां फेसलिफ्ट आ गया है मैग्नाइट विजिया B4D के नाम से। जी हाँ, इसके नाम भी चेंज हो चुके हैं। जो पुरानी मैग्नाइट आती थी वो मैग्नाइट एक्सी आती थी बेस वेरिएंट, वहीं जो फेसलिफ्ट आया वो मैग्नाइट विजिया मिलेगी B4D बेस वेरिएंट आपका। अच्छा फेसलिफ्ट है, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, काफी अच्छा अपडेशन दिया है, जनरेशन चेंज नहीं है, तो डायमेंशन आपको वही मिलेंगे, वही ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, वही व्हील बेस वगैरह मिलेगा, साइड से आप गाड़ी देख सकते हैं, डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं है। बाकी मैग्नाइट है, फेसलिफ्ट का तो भाई प्राइस भी आप सोच रहे होंगे इंक्रीज हुए होंगे, निसान ने यही कमाल कर दिया भाई, प्राइस इंक्रीज नहीं करे इसके, सेम प्राइस 5,99,900 के अंदर ही अपना फेसलिफ्ट वेरिएंट मार्केट में उतार दिया। एक्सी भी 5,99,900 में आता था और फेसलिफ्ट भी 5,99,900 के अंदर दे दिया आप लोगों को। व्हाइट कलर के अंदर है, मोनोटोन में है। अपडेशन की बात करूं भाई, हिल जाओगे देख के आप। पहले यहाँ देखो ग्रिल, देखो किस तरह की मिलती थी ये, और यहाँ देखो पूरी ग्रिल चेंज हो चुकी है, ट्विक्ड ग्रिल मिलेगी आपको, ग्लोसी ब्लैक, और यहाँ बीडिंग के साथ पीछे भी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया, पूरी ग्लोसी ब्लैक है, बीच में निशान का लोगो, नीचे मैट ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट मिलेगा, फॉग लैंप्स की जगह दी गई है, DRL जैसे अपर वेरिएंट्स में मिलता है वहां पे गार्निश दिया गया है, हैलोजन बेस LED हैलोजन बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प यूनिट मिलेगी मैनुअल, रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन हेडलैम्प यूनिट मिलेगी मैनुअल, यहाँ इंडिकेटर है, थोड़ा जीव लटकड़ा गया उसके लिए सॉरी। यहाँ गार्निश बीडिंग भी दी गई है इस जगह पे, मैनुअल वाइपर है विद 2 वॉशर, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, रूफ रेल्स दिए गए हैं, कुछ इस तरह से फ्रंट आएगा, फ्रंट आप देख सकते हैं गाड़ी का, जो बेस वेरिएंट है लग कितनी अट्रैक्टिव रही है बेस वेरिएंट, ये देखिए आप यहाँ से। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो स्टील रिम्स दिए गए हैं, फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, टायर साइज इसमें 195/60-16 इंच का मिलेगा, वहां भी टायर वगैरह रिम वगैरह सब से आपको स्टील रिम में मिलेगा, लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा, फेंडर पे भी क्लैडिंग है, सराउंडिंग मिलेगी, इंडिकेटर निसान मैग्नाइट की बैजिंग मिलती है यहाँ पे, मैनुअल वाइप मैनुअल ORBMs मिलेंगे, स्टिक्स एडजस्ट होंगे, फोल्ड अनफोल्ड इस तरह से करने होंगे, ए पिलर ब्लैक है, बीबी ब्लैक दिया हुआ है, सिल्वर रूफ रेल्स है, गार्निश डोर हैंडल्स दिए हुए हैं, ये गार्निश कवर है, इसके नीचे डोर हैंडल्स आपको ब्लैक दिए गए हैं, ठीक है। बाकी ऐसा सीरीज का पार्ट तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें अगर ऐसा सीरीज होती तो और भी लगी होती, सिर्फ डोर हैंडल्स लगे हुए हैं, और ये डिलीवरी वगैरह की गाड़ियां भी है नहीं, रियर हमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। वहीं बात करें रियर लुक की, तो रियर पहले लाइट ऑन कर लेता हूं मैं, रियर भाई कुछ इस तरह से टेल लैंप्स मिलेंगे इस वेरिएंट में, बेस में इन्होंने टेल लैंप्स चेंज नहीं करे, सेम टेल लैंप्स आ रहे हैं जो मैं पहले मिला करते थे, यहाँ पे स्ट्रिप्स है, हैलोजन बेस्ड टेल लैंप्स है, इंडिकेटर रिवर्स लाइट, मैग्नाइट की बैजिंग, निशान की बैजिंग, रियर बम्पर का पार्ट नीचे वाला ब्लैक मिलेगा, 2 रिफ्लेक्टर है, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट के हुए हैं, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, यहाँ पे स्पॉइलर दिया हुआ है, एंटीना नहीं मिलता, इधर आपका फ्यूल टैंक मिलेगा, ड्राइवर साइड चाबी की जगह दी हुई है, ORBM हो गया आपका। और भाई बात करें अब इंटीरियर में चलने की, तो पहले आपको इसका ये देखिए, बेस वेरिएंट में बूट गेट में इलेक्ट्रिक बटन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बटन से ओपन होगा, कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा इसमें हमें, पार्सल ट्री की जगह दी हुई है, 60-40 कॉम्बिनेशन है, 60-40 के सीट आप फोल्ड कर सकते हैं अलग अलग चाहें तो, और यहाँ एडजस्टेबल आर्मरेस्ट दिए गए 2, और ये सीट आप ये वाली नीचे कर सकते हैं अगर आपको बूट स्पेस एक्सटेंड करना है तो। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा विद टूल्स, बूट स्पेस आपने देख लिया,
बंद कर देता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक बटन है, हाइलोजन पे इसकी नंबर प्लेट की लाइट्स दी गई है। वहीं बात करें पैसेंजर सीट की, डोर ओपन करेंगे तो भाई ये अलग से ओपन करना होगा क्योंकि इसमें सेंटर लॉकिंग हम लोगों को नहीं मिलती, तो यहाँ खोल लेते हैं इसे। एक अपडेशन और हुई है वो दिखाता हूँ अभी आपको। बेस वेरिएंट के अंदर जो लॉक का बटन हमें यहाँ मिला करता था वो लॉक का बटन हट चुका है निसान मैग्नाइट के बेस वेरिएंट से भी, लॉक का बटन यहाँ आ चुका है। डोर ओपनर, ग्लास अप डाउन मिलेंगे, चारों पावर विंडो दी गई है। पैसेंजर ट्री में हमारा सॉफ्ट टच में मिलेगा, 60-40 कॉम्बिनेशन है, दोनों सीट आपको अलग मिलेंगी। बीच में आर्मरेस्ट दिया हुआ, V2 का फोल्डर, रीडिंग लाइट दी हुई है, एक आगे दो एक पीछे दी हुई है पैसेंजर्स पर, दो आगे दी हुई है। भाई अपडेशन देखो कितनी प्यारी करी है, यहाँ रग्ड फील है, स्पीकर की जगह वाटर बॉटल स्पेस। चाबी निकाल लेता हूँ पहले फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक बार बैठ के आपको पैसेंजर से ड्राइवर फ्रंट भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का ड्राइवर फ्रंट मिल जाता हमें। और देखो यहाँ भी लाइट है पैसेंजर्स के लिए, ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं और दो लाइट आगे दी हुई हैं। अब चलते हैं इसके ड्राइवर डोर पे। तो की कुछ इस तरह की मिलेगी हमें, बिल्कुल नॉर्मल की है, फिजिकल की मिलेगी आपको कुछ इस तरह की, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता, चाबी की जगह है। डोर जैसे ही ओपन करेंगे चारों पावर विंडो दिए हुए हैं, ये सॉफ्ट टच में दिया हुआ है डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडो है, यहाँ आपका विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए है। मैग्नाइट की बैजिंग यहाँ भी मिलेगी, कितना प्यारा फील दिया गया। स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, कॉर्निंग एयरबैग्स के साथ, ठीक है। और क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैंडल वगैरह तो नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट हाइट के लिए, यहाँ एसी वेंट, सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट है, ये ORVM एडजस्ट करने के लिए। चाबी लगा देता हूँ, चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई अब ड्राइवर फ्रंट सीट से भी इंटीरियर देख लो यार, मैग्नाइट बेस वेरिएंट विजिया B4D का कैसा इंटीरियर मिल जाता है। इंटीरियर में तो खैर आपको कोई चेंजेस नहीं देख रहे होंगे, बाकी स्टीयरिंग देखोगे तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, 3 स्पोक में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इसमें मिल रही है भाई हमको, ठीक है। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं है भाई। ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई लेदर रैप वगैरह नहीं मिलता, ग्रिप मिल जाती है दोनों तरफ, निसान का लोगो। बेस वेरिएंट से टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसके अंदर हमें, ये सिल्वर ट्रीटमेंट है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग काफी प्यारा बनाया गया है। यहाँ पे मैनुअल हेडलैम्प कंट्रोल्स है इस जगह पे, यहाँ आपके वाइपर कंट्रोल हो गए। मीटर में एक बार इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसका ऑन करके दिखा देता हूँ, पहले स्टीयरिंग लॉक करना होगा। देखिए ये RPMs है, बीच में स्पीड मीटर दिया हुआ है और बीच में MID दी हुई है, स्पीड मीटर जहाँ पे दिया हुआ है ये पूरी MID है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल में और जहाँ पे फ्यूल गेज है, इंजन टेम्परेचर गेज है, इसमें हमें ट्रिप ए बी, ट्रिप बी, रेंज, इंस्टेंट माइलेज, एवरेज, फ्यूल यूज वगैरह, सर्विस इंटरवल मिल जाता है देखने के लिए, और सेट टायर प्रेशर भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह का मीटर मिल जाता है, यहाँ से बोनट व्यू देख सकते हो आप। मैग्नाइट में डैशबोर्ड काफी प्यारा मिल जाता है, स्पीकर्स की जगह मिल जाती है आगे, दो AC वेंट्स, यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट है, अंदर गार्निश भी है। ये जगह खाली मिलेगी आपको, टूडिन लगवाओ, टच में लगवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लगवाना आप चाहते हो। ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए, ये हजार लाइट के लिए, AC के कंट्रोल्स, यहाँ पे थोड़ी जगह दी हुई है गियर कंसोल में, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा, 5 गियर के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर दिया गया है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर, यहाँ भी स्पेस है मैग्नाइट में। और ग्लोब बॉक्स देखो कितना डीप दिया भाई इसका, मैनुअल डिमिंग, IRBMs है, हाइलोजन बेस, रीडिंग लाइट है, 2 आगे हैं, 1 पीछे दी हुई है केबिन के अंदर, वेंटी मिरर मिल जाएगा। और इसकी क्वालिटी देखो सन वॉइजर की कितनी अच्छी दी गई है, और यहाँ से भी आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए। बाकी ये तो हो चुका ऑलमोस्ट पूरा फ्रंट, अब चलते हैं इसका इंजन कैबिनेट की तरफ पे। अब भाई जैसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करेंगे, यहाँ आपको वॉशर के लिए पानी मिल जाएगा, इंसुलेशन पैडिंग दी हुई है, यहाँ में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 71 BHP का, टॉर्क जनरेट कर रहा है 96 Nm का, ARI के अकॉर्डिंग कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है 19.4 km/L की। इसमें हमें 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 40 लीटर का फ्यूल टैंक और 336 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। तो भाई ये था निसान मैग्नाइट विजिया B4D बेस वेरिएंट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस।
गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।